हेलो एवरीवन, आज हम इस रेडीमेड प्लाजो को थाइस से और आसन से लूज करेंगे। ये हमने इसको ऊपर से खोल लिया है और इसका जो आसन है वो बहुत लंबा है, तो हम इसको छोटा करेंगे। तो आप अपने नाप के हिसाब से यहाँ पे आसन का निशान लगा लेंगे। हमने 13 इंच पे लगा लिया है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है आगे वाले पार्ट से, हम इसको कट कर लेंगे। और पीछे वाले पार्ट का आसन हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से उसको साइड से जोड़ देंगे। इस तरीके से आसन कट करने से इसकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी और ये कंफर्टेबल भी बहुत रहेगा। ये प्लाजो हमें लेंथ में भी ज़्यादा था, इसलिए हमने इसे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। ये ऊपर की तरफ हम 2 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ देंगे और ये उसके नीचे से हम इसमें कपड़ा जोड़ देंगे। और ये थाइस से भी थोड़ा टाइट है, तो हम ये नीचे की तरफ भी इसमें थोड़ा कपड़ा जोड़ देंगे। अब इस कपड़े को हम अपने थाइस और आसन के नाप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। हमने ये अपने अकॉर्डिंग 7 इंच लंबी और एक तरफ से 3 इंच और दूसरी तरफ से 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। और अब जो हमने ये 4 पीस कट किए हैं उनको एक एक करके सील देंगे इनमें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से हमने ये 2 इंच ले लिया है और ऐसे गोलाई में इसको मिला देंगे। इनको भी हम यहाँ पे सील देंगे। ये जो हमने नीचे से खोला था अब हम ये आसन वापस से जोड़ देंगे। और ये हमारा प्लाजो ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी लूज हो चुका है।